स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लेबर कार्ड, जिसे हम मजदूर कार्ड या फिर श्रमिक कार्ड भी कहते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। इस कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा लोगों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है। यदि आपके पास ये कार्ड है तो आप जो है सरकार के किन किन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ ही में जो है इन योजनाओं के लिए आप जो है किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पर जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन करने का क्या प्रोसेस है और आवेदन फॉर्म जो है आपको कहां से डाउनलोड करना पड़ेगा, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि आपके पास एक लेबर कार्ड है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आप लेबर कार्ड के माध्यम से जो है सरकार के किन किन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आपका जो लेबर कार्ड है उसमें जो है सभी योजनाओं का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर इस सभी योजनाओं के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और साथ ही में जो है किस प्रकार से जो है आप इन योजनाओं के लिए अप्लाई करेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। यहाँ पर देखिए, जो आपका लेबर कार्ड होता है उनमें जो है सभी योजनाओं का नाम लिखा है जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जिनका भी कार्ड बना हुआ है उनको दिया जाता है। नंबर वन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जो है वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 60 साल कम्प्लीट हो जाने के बाद ही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार पेंशन के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में जो है यहाँ पर देखिए निःशक्तता सहायता तथा पेंशन, इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर चार में देख सकते हैं, यदि आपको मकान खरीदना हो या फिर मकान बनाना हो तो आप जो है लेबर कार्ड के माध्यम से जो है ब्याज पर पैसे ले सकते हैं, जो कि आपको जो है बहुत ही आसानी से ब्याज पर पैसे मिल जाते हैं यदि आपके पास लेबर कार्ड हो तो। और यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति, यदि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उनको जो है लेबर कार्ड के माध्यम से जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है, ताकि वो जो है आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, कौन से क्लास में कितने पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर छः में देख सकते हैं, आपको जो है किसी प्रकार का औजार खरीदना है काम के लिए तो आप जो है ब्याज पर पैसे लेकर जो है औजार भी खरीद सकते हैं, या फिर आपको कोई कारोबार शुरू करना है तो। उसके बाद नंबर सात में देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा विवाह सहायता, आपके बच्चे जो है विवाह योग्य हो गए हैं तो आप जो है इसके लिए भी जो है सहायता मांग सकते हैं। यदि आपके पास लेबर कार्ड है तो सरकार से जो है आप सहायता मांग सकते हैं। और नंबर आठ में देखिए, आप जो है चिकित्सक सहायता भी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर नौ में दिख जाएगा दुर्घटना के मामले में चिकित्सक सहायता भी आप ले सकते हैं। और दस में दिख जाएगा प्रसूति सहायता। और इसी प्रकार से यहाँ पे और भी कई दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट में जितना भी योजना का नाम दिया गया है आप जो इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि यदि आपके बच्चे जो है विद्यालय में स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उन्हें जो है कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा, कौन से क्लास में। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ाई करते हैं तो लेबर कार्ड के माध्यम से जो है 8000 से लेकर 35000 तक का जो है उन्हें स्कॉलरशिप का पैसा मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए योजना का नाम भी दिया गया है, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना छात्रवृत्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर एक में, यदि आपके बच्चे कक्षा छठी सातवीं आठवीं में पढ़ाई करते हैं तो उन्हें 8000 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और यदि कक्षा नौवीं दसवीं ग्यारहवीं या फिर बारहवीं पढ़ाई करते हैं तो 9000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और यदि आपके बच्चे आईटीआई की पढ़ाई करते हैं तो 9000 रुपये से लेकर के 10000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। यदि डिप्लोमा की पढ़ाई करते हैं तो 10000 रुपये से लेकर के 11000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और स्नातक की यदि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं तो 13000 रुपये से लेकर के 15000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और जैसे कि स्नातक में ग्रेजुएशन में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 18000 रुपये से लेकर के 20000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और इसी प्रकार से जो है स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें जो 15000 रुपये से लेकर के 17000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और इसी में जो है कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उन्हें जो है 23000 रुपये से लेकर के 25000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर नगद पुरस्कार के बारे में भी बताया गया है, जो कि यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी योजना के बारे में बताया गया, जैसे कि छठी क्लास से लेकर के बारहवीं क्लास तक के, इन सभी योजनाओं के लिए जो है आप जो है स्कूल से ही आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपके टीचर जो है आपका लेबर कार्ड का डिटेल लेते हैं और वो जो है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, स्कूल के माध्यम से जो है ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। और यदि आप जो है आईटीआई की पढ़ाई करते हैं, डिप्लोमा की या फिर ग्रेजुएशन की, तो इसके लिए जो है आप कॉलेज में जा करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही में जो है लेबर ऑफिस में भी आप जो है इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको जितने भी योजना के बारे में बताया, इन सभी योजना के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। परंतु इसके लिए जो है आप
ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जो है ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले जो आपके एरिया का जो भी लेबर ऑफिस का एड्रेस है, वो एड्रेस आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। आप लेबर ऑफिस एड्रेस लिखेंगे और इस प्रकार से यदि आप दिल्ली का एड्रेस देखना चाहते हैं तो दिल्ली यहाँ पर लिख देंगे आप, और यदि आप जो है किसी और स्टेट का देखना चाहते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देंगे, तो आपका जो नियर बाय जो भी लेबर ऑफिस का एड्रेस होगा यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर का भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी एड्रेस पर जाना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जिनके पास भी लेबर कार्ड होता है, मजदूर कार्ड होता है, उनके में से किसी भी योजना के लिए आप जो है आवेदन करना चाहते हैं, और आवेदन का फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये जो है आवेदन करने का फॉर्म है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भवन एवं अन्य स्वनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की सभी योजनाओं के लिए एक ही आवेदन पत्र, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसी प्रकार से बताया गया है प्रत्येक योजना के लिए इसी सरल आवेदन पत्र का प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो है आप जिस भी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तक मैंने आपको जितने भी स्कीम के बारे में बताया, जितने भी योजना के बारे में बताया है, आप जो उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो इस वाले फॉर्म को ही फिल करना पड़ेगा, आपको जो फॉर्म को पूरे अच्छे प्रकार से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पूरा डिटेल आपको दे देना है, आपके लेबर कार्ड का डिटेल, आपके एड्रेस का डिटेल, और साथ ही में जो है आपके बैंक अकाउंट का डिटेल। यहाँ पे जो इस फॉर्म को पूरे अच्छे प्रकार से फिल करके उसके बाद आपका नियर बाय जो भी लेबर ऑफिस का डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो है आपको इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, और साथ ही में जो है आप जिस भी योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको इसके साथ जो है अटैच करके आपके लेबर ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। तो आप जो है इस प्रकार से जो है इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपको इस फॉर्म को फिल करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को मैं इस पूरा स्टेप बाय स्टेप फिल करके बताऊं तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको जो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है, उसके बाद प्रिंट आउट निकलवा के इस फॉर्म को भरना है, उसके बाद जिस भी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें पूरा डिटेल लिखेंगे, और आपको जो है अपने लेबर ऑफिस में इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका जो है जिस भी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आवेदन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लेबर कार्ड, मजदूर कार्ड या फिर श्रमिक कार्ड की तरफ से दिए जाने वाले सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों के पास जो है सही सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी जो है इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सके। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।